Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। सो मैं शिवराज सिंह पीवी न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत करदा हाँ। सो इस वक्त गल करदे हां सिरसा दे किसान नेता प्रहलाद सिंह भारू खेड़ा जी दे नाल। ये वो किसान नेता ने जिन्हां नूं एक एक बंदा चंगी तरह जाणू है, जिन्हां ने किसान अंदोलन दे विच मोढे नाल मोढा ला के किसानां दा साथ दित्ता, इत्थों तक कि उन्होंने जेलां भी कट्टियां अते इस किसानी अंदोलन नूं इत्थों तिकर लेके आए ने। पर कुछ सियासी पार्टियां सियासत रच रही ने प्रहलाद सिंह भारू खेड़ा जी नूं बदनाम करन वास्ते। सो इस वक्त प्रहलाद सिंह भारू खेड़ा जी साढ़े नाल है, आपां उन्हां नाल गलबात करदे हां कि ये गंभीर आरोप उन्हां ते क्यों लग रहे ने। काल जी, सत श्री अकाल जी। सो प्रहलाद सिंह जी, थोड़े उपर अते बनीत कंपोज जो कांग्रेसी ने उन्हां उपर लंगर घोटालिया नूं लैके कुछ आरोप लग रहे ने, की कहना चाहोगे? देखिए, ये जो आरोप हैं वो शुरू दिन से लग रहे हैं, आज से नहीं है। और ये आंदोलन जो है किसानी आंदोलन में, हम कोई आज से नहीं लगे हैं, 20 सालों से किसानी आंदोलन के अंदर लगे हुए हैं। और जिस दिन हमने 6 अक्टूबर को सिरसा के अंदर जो आंदोलन शुरू किया था दुष्यंत चौटाला के घर के आगे, उसी दिन से हमारे खिलाफ जो है वो षड्यंत्र शुरू हो गए थे कि ये दुष्यंत चौटाला के घर के आगे मोर्चा ना लगाया जाए। और उस मोर्चे को उखाड़ने के लिए इन राजनीतिक पार्टियों ने तरह तरह की चीज़ें हैं जो वो करने की कोशिश की। उस मोर्चे को उखाड़ने के लिए पैरेलल धरने तक चलाए गए, हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है ये सारा का सारा। कोई एक आदमी हमें साबित कर दे आके कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा को हमने ये पैसा दिया जिसका हिसाब नहीं है। जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है उनका हमने रसीद काटी है और अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर हमने उनको ओपन किया है, बताया है कि हमारे पास किस किस आदमी ने कितना पैसा दिया है। हमारी जत्थेबंदी है हरियाणा किसान मंच और काफ़ी सालों से हम लगे हुए हैं। हम अपने घरों से इतने वो ज़्यादा नहीं है कि अपने घर से सारा कुछ कर दें। और जत्थेबंदियाँ जो वो होती है, किसान संगठन होते हैं, कोई भी समाज संस्था होती है, वो लोगों के सहयोग से चलती है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है। तो लोगों के सहयोग से यहाँ पे ये चल रहा है आंदोलन, भी लोगों के सहयोग से। अब ये आंदोलन जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इस आंदोलन के अंदर आज राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार करके लोग किसानी संघर्ष में आ रहे हैं। उन राजनीतिक पार्टियों को आज कोई पूछ नहीं रहा है, जो उन लोगों के पेट में ये दर्द हो रहा है कि आज वो इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतना उनके पास सब कुछ है, लेकिन आज उनके कहने से कोई आदमी इकट्ठा नहीं हो रहा है। आज उल्टा ये हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ लोग खड़े हो गए और उनको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है और किसानी संघर्ष के अंदर लोग आ रहे हैं। इन चीज़ों के लिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो इसीलिए इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं और किसान आगुओं को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो इसमें कभी कोई ब्लेम लगाया जा रहा है, हम किसानों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों का पहले तो पिछोकड़ देखिए, उनका जो है बैकग्राउंड देखिए कि वो लोग है कौन। ये वही लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनके पदाधिकारी लोग हैं। वो एक षड्यंत्र करके ये सारा गेम प्लान किया गया है जिसे बदनाम करने के लिए। हमारे पास जो पैसा आया हमने ओपन किया, जो खर्चा है वो जिन लोगों ने हमें पैसा दिया हम उनको एक एक पैसे का हिसाब देंगे। एक एक पैसे का कोई हमसे हिसाब ले सकता है? कोई एक आदमी आके एक रुपये की हेराफेरी का कोई साबित कर दे तो बीच चौराहे के अंदर हमें चाहे सूली पर चढ़ा देना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सो भावदीन टोल प्लाजा के उपर गुरप्रीत सिंह गिल उन्हां वालों आरोप लाए गए हैं कि अगर एक स्पीच दी गई सी, अगर जेकर प्रहलाद सिंह भारू खेड़ा जी सच्चे ने तो वो सामने आउण। हम सामने ही हैं, हम भागे कब? हम सामने आंदोलन के अंदर है। जो लोग वहाँ पे घरों में बैठे हैं, रजाइयों में जो लोग बैठे हैं, जो लोग आज अपने आप को कहीं इन लोगों के बीच में आ नहीं रहे हैं, यहाँ जो आंदोलन चल रहा है इतने टाइम से यहाँ पे आए नहीं, उन लोगों से मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि वो ट्रैक्टर ट्राली लेके आएँ और यहाँ दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे लगे हैं यहाँ आके बैठें। घर में बैठे बैठे आप कुछ भी कह दें, कुछ भी लिख दें, उसका क्या है? तो ये जो लोग इस तरीके से आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ पे घर में बैठे बैठे लोग आरोप लगा रहे हैं, उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और वो साबित करें ये चीज़ें। और हमने साफ तौर के ऊपर कह दिया कि हमने जो किसान है हमारे साथी जो हैं उन लोगों ने सहयोग किया, वो लोग कल को कहेंगे कि इनके ऊपर आप मानहानि का दावा डालो तो हम दावा भी डालेंगे। और लोग किसान कहेंगे नहीं, इन आरोप लगाने वालों को हम देखेंगे तो वो लोग देखेंगे। हमने लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि इसके बारे में फैसला जनता करेगी।
सो तुसी इस किसानी अंदोलन दे लई किसानी अंदोलन में थोड़ा बहुत बड़ा सहयोग है किसानों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े इतों तक तुसी जेलां भी कट्टियां पर कुछ सियासी पार्टियां दे आगू सियासत रच रहे सू बदनाम करने वास्ते सो जो सोडे उत्ते एडे गंभीर आरोप ला रहे ने सो की कहोगे तुसी उस सिरसा मंथन वास्ते की कहोगे वो साबित करे हम ये कह रहे साबित करे कहने को कुछ भी कह देते हैं लोग बाबा नानक को भी लोगों ने अपशब्द बोले थे पत्थर मारे थे और लोगों जो भी समाज के अंदर आगे लोग निकले उनके बारे में बहुत बातें हुई लेकिन वो साबित तो करे एक चीज़ साबित करके दिखा दे कि ये आरोप है यहाँ और ये चीज़ है कहने को कुछ भी कह दो किसी के ऊपर कुछ ले दो किसी का मुँह थोड़े दुखता है कहने में वो उनको तकलीफ हो रही है उनको तकलीफ ये हो रही है कि ये जो लोग हैं आज किसान संघर्ष के अंदर आगे जो आ रहे हैं इन लोगों के कहने से तो आज जो है वो ट्रैक्टर मार्च भी बड़े बड़े निकल जाते हैं आज हज़ारों के लोग आ जाते हैं लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग निकल आ जाए और जो लोग हैं राजनीतिक पार्टियों के लोग उनको आज कोई पूछता नहीं है तो वो उनको तकलीफ हो रही है उनको ये लग रहा है कि हमारे बच्चों को तो नमस्ते करने वाला नहीं बचा है ये तो किसान खुद ब खुद सड़कों पर आ रहे हैं खुद ब खुद जो है जा रहे हैं आज और किसानों के झंडे पकड़ रहे हैं उनकी पार्टियों का झंडा नहीं पकड़ रहा है कोई तो ये तकलीफ हो रही है उनके राजनीतिक जो प्रोग्राम आज नहीं हो पा रहे हैं आज दुष्यंत चौटाला जो इतना डिप्टी सीएम है आज वो कहीं प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं आज रणजीत सिंह है वो कहीं प्रोग्राम नहीं कर पाए बीजेपी वाले हैं वो कहीं प्रोग्राम नहीं कर पाए किसानों के प्रोग्राम हर रोज़ होते हैं हर धड़ल्ले से होते हैं एक कॉल कर देते हैं उसके ऊपर हज़ारों ट्रैक्टर निकल जाते हैं ये उनको तकलीफ हो रही है इसलिए उनको ये हो रहा है कि इनको बदनाम करो और भी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है पहले भी हमें बड़े लालच दिए गए हैं डराया भी गया धमकाया भी गया केस भी बनाए गए हैं सब सारी चीज़ों से हम निकल आए अब ये चल है कि समाज से इन लोगों को कट कर दिया जाए लेकिन प्रदेश का किसान देश का किसान है वो इनकी चालों को भली भांति समझता है और देश की जनता ही इनका मुंह तोड़ जवाब देगी हम देश की जनता पे प्रदेश की जनता पे ज़िले की जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इन लोगों को जवाब दें धन्यवाद सो ये सन प्रकाश सिंह भारू खेड़ा जी किसान नेता जिला सरसा तो इन्होंने अपने उपर जो भी आरोप लगे से गंभीर और आरोप लगे से साडे चैनल पी वी न्यूज़ नाई उन्होंने खंडन किया उन्होंने स्पष्टीकरण किया सो होर भी किसानी मुद्दों लैके जल्द हाजिर होवांगे अगली अपडेट के लिए जुड़े रहो चैनल पी वी न्यूज़ के नाल धन्यवाद